नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छु नाथ बाबा भाविनी। स्पीड न्यूज 70 માં આપ સૌનો સ્વાગત કરું છું। જોઈશું આજના સમાચાર વિગતવાર। आज रोज कांग्रेसना राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा तथा कांग्रेस प्रदेश प्रमुख द्वारा उत्तर प्रदेश ना लखीमपुरी खीरी खाते केंद्र सरकारना मंत्रीना पुत्र द्वारा खेडूत ने घसरी नाखवानो मुद्दे सहित अन्य मुद्दे भाजप सरकारनी नीति विरुद्ध पत्रकार परिषद में माहिती आपवामां आवी हती। आज रोज कांग्रेसना राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ाए आज यूपीना लखीमपुर खीरी खाते यूपीना भाजप सरकारना मंत्रीना पुत्र द्वारा खेडूत ने कार नीचे कचरी नाखवाना मामले आज भाजप सरकारनी मनमानी सामे आज सयना सर्किट हाउस खाते पत्रकार परिषद में सरकार ने घेरी आक्षेप कर्यो हतो। पत्रकार साथेनी वातचीत तेमणे जणायु हतु के कोरोना महामारी दरमियान देश में 14 करोड़ लोग बेरोजगार बन्या हता। साथे एमेजोन कंपनी ना ज एक कर्मचारी आरोप लगाव्यो हतो। एमेजोन कंपनी ए भारत में 8,546 करोड़ लॉन्च आपी होवानो मुद्दे भाजप सरकार पर प्रहार कर्यो हतो। साथे ज ज्यारे एमेजोन कंपनी ना भ्रष्टाचार मामले ज्यारे अमेरिका तपास करावी शक्यु होय तो भारत सरकार द्वारा केम कोई पगला न लेवामां नथी आवता, त्यारे भारतना कोणे कोने कोने लांच आपी तेनी न्यायिक तपास थवी जरूरी छे, जवाबदारों ने खुला पाड़ी सजा करवानी मांग करी हती। तेमणे सरकार पर आक्षेप करता जणाव्युं हतुं के विदेशना लोको जाणे देशना स्थायी वेपारीओ खतम करवानी सोपारी आपी रही होय एवुं लागी रह्युं छे। तेमणे एनडीए नुं फूल फॉर्म छे तो डेटा अवेलेबल तेम जणावी एनडीए सरकार पासे कोई डेटा ज नथी होता तेवी टिखड़ पण करी हती। मनमोहन सिंहनी सरकार समय अर्थव्यवस्था पटड़ी पर हती, ज्यारे नरेन्द्र भाई मोदी मुख्यमंत्री हता त्यारे अलग वात करता हता। तेमणे जणाव्युं हतुं के भाजपमां कोई विरोध करे तो तेना मॉर्निंग वॉकमां पण ना जई शके। भाजप सरकारना विजय माल्या, नीरक मोदी, મેહુલ ચોકસી વિદેશી ભાગી ગયા તથા મુંબઈના પોલીસ કમિશનરના પરમવીર સિંહ પણ રશિયા ભાગી ગયા। મુંદ્રા પોર્ટ પર ડ્રગ્સના કન્સ્ટ્રક્ટમેન ઉતરે છે અને દેશના યુવાધનને નશાના રવાડે બરબાદી કરી ધકેલી મૂકે છે, ત્યારે બોલિવૂડમાં કલાકારોને અટકાયા કરી કાર્યવાહી બતાવવામાં આવે છે। પરંતુ જે સ્થળે આટલા મોટા કન્સાઇન્ટમેન્ટ ઉતરે છે ત્યાં કેમ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી રહી, તપાસ નથી કરતી સરકાર? ઉત્તર પ્રદેશમાં ખેડૂતો ઉપર આમ નવી કૃત્યોને વિરોધ કરતા કોંગ્રેસના પ્રિયંકા ગાંધી દોડી ગયા, ત્યારે તેઓની યુપી પોલીસ અટકાય કરી રોકી દેવામાં આવ્યો, સાથે જ અન્ય કોઈ પાર્ટીની નેતા ત્યાં જવાની પરવાનગી નથી। આ શું સૂચવે છે? શું છુપાવે અને કોને બચાવવા સરકાર પ્રયાસ કરી રહી છે? જનતા સમજી ચૂકી છે। વધુમાં તેમણે પંજાબના કોંગ્રેસ સરકારના સત્તા પરિવર્તન અને નવજોતસિંહ સિંધુના બાબતે આંતરિક બાબત ગણાવી હતી। બાઇટ પવન ખેરા, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા કોંગ્રેસ, રિપોર્ટર નઝીર શેખ સાથે વડોદરા। લોક બેરોજગાર હો ગયે, ઉસમેં છોટે વ્યાપારી, છોટી દુકાને, લઘુ એવમ મધ્યમ દરજે કે જો વ્યાપાર હૈ વો બંધ હો જાના। और अभी पिछले दिनों एक सनसनीखेज खुलासा हुआ, एमेजॉन कंपनी के अंदर एक कर्मचारी ने, वरिष्ठ कर्मचारी ने यह आरोप लगाया, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहते हैं, कि एमेजॉन कंपनी ने हिंदुस्तान में 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी बड़े लोगों को। तो जब मैं आपको 14 करोड़ का आंकड़ा देता हूं बेरोजगारों का, दर्जे के उद्योगों की बात करता हूं, उसका अमेज़न से सीधा सीधा रिश्ता है। और जब अमेज़न के अपने लोग यह आरोप लगाते हैं कि 8,546 करोड़ की रिश्वत लीगल फीस के नाम पे हिंदुस्तान के बड़े लोगों को दी गई, तो वो बड़े लोग कौन है यह मैं और आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि न्यायिक जांच हो और जनता के सामने, उन करोड़ों दुकानदारों के सामने जिनका व्यवसाय चौपट हो गया है, उनके सामने ये नाम आने चाहिए कि आपके गुनाहगार कौन है। अमेज़न तो विदेशी कंपनी है, वो कुछ बच्चों की आदत होती है कि बोलते रहते हैं हमारे दादा परदादा ने, पिता ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज की सरकार ऐसे ही बच्चों वाली सरकार, भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो फिर 70 साल में जो किया वो बेच भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी सौंप रहे हैं,
और यहां के जो अपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले ये सुन लें, जो यहां अपने व्यापार चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप विदेशियों को सुपारी दे देते हो एक तरह से कि कैसे आप यहां के रोजगार को, यहां के व्यवसाय को खत्म करो और सब कुछ अपने हाथ में लो। देश यह जानना चाहता है कि 8546 करोड़ किस नेता की जेब में गया, कौन थे वो नेता, कौन थे वो अधिकारी। ये जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए पिछले 7 साल से, सब कुछ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के वक्त आने से पहले जो कल लखीमपुर खीरी में खेडूत हमारे किसान मार दिए गए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पुत्र द्वारा, उन किसानों के प्रति श्रद्धांजलि हम सब की ओर से, अमित भाई चावड़ा की ओर से, हम सब जो कांग्रेस परिवार है उनकी ओर से, उस पर भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन अभी जो जिस मुद्दे पर मैं आया हूँ वो हम सब के रोजगार से जुड़ा हुआ, इस देश के करोड़ों छोटे व्यापारियों से जुड़ा हुआ, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है। पिछले एक साल में 14 करोड़ रोजगार इस देश में खत्म हुए हैं। ये आंकड़ा हमें और आपको दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उसमें छोटे व्यापारी, छोटी दुकानें, लघु एवं मध्यम दर्जे के जो व्यापार हैं वो बंद हो जाना। और अभी पिछले दिनों एक सनसनीखेज खुलासा हुआ, अमेज़न कंपनी के अंदर एक कर्मचारी ने, वरिष्ठ कर्मचारी ने ये आरोप लगाया, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहते हैं, कि अमेज़न कंपनी ने हिंदुस्तान में 8546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी बड़े लोगों को। तो जब मैं आपको 14 करोड़ का आंकड़ा देता हूं बेरोजगारों का, जो नए बेरोजगार हुए हैं पिछले एक साल में, छोटे व्यापारियों की बात करता हूं, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की बात करता हूं, उसका अमेज़न से सीधा सीधा रिश्ता है। और जब अमेज़न के अपने लोग यह आरोप लगाते हैं कि 8546 करोड़ की रिश्वत लीगल फीस के नाम पे हिंदुस्तान के बड़े लोगों को दी गई, तो वो बड़े लोग कौन हैं, यह मैं और आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो और जनता के सामने, उन करोड़ों दुकानदारों के सामने जिनका व्यवसाय चौपट हो गया है, उनके सामने ये नाम आने चाहिए कि आपके गुनाहगार कौन है। अमेज़न तो विदेशी कंपनी है, वो कुछ बच्चों की आदत होती है कि बोलते रहते हैं हमारे दादा परदादा ने, पिता ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज की सरकार ऐसे ही बच्चों वाली सरकार, भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो फिर 70 साल में जो किया वो बेच भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी सौंप रहे हैं। और यहां के जो अपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले ये सुन लें, जो यहाँ अपने व्यापार चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप विदेशियों को सुपारी दे देते हो एक तरह से कि कैसे आप यहाँ के रोजगार को, यहाँ के व्यवसाय को खत्म करो और सब कुछ अपने हाथ में ले। देश यह जानना चाहता है कि ये 8546 करोड़ किस नेता की जेब में गया, कौन थे वो नेता, कौन थे वो अधिकारी। ये जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए पिछले 7 साल से, सब कुछ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के वक्त अर्थव्यवस्था पटरी पर थी, दौड़ रही थी, यह आए नोटबंदी की अर्थव्यवस्था की को पटरी से उतारा, फिर जीएसटी जिस तरह से आप सब जानते हैं, वाकिफ है किस तरह से जीएसटी लागू की गई, अब वो रेल पटरी पर भी नहीं है, पटरी भी उखाड़ दी गई है, ये इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ किया। और फिर जब ऐसे आरोप अमेज़न कंपनी के भीतर से लगते हैं कि जो उन्होंने 45,000 करोड़ कमाया हिंदुस्तान में, उसका 20% रिश्वत में दे दिया, किसको दी वो रिश्वत, ये इस देश का व्यापारी जानना चाहता है, इस देश का किसान जानना चाहता है, इस देश का बेरोजगार नौजवान जानना चाहता है।
और ये कोई छोटी बात नहीं है, हिंदुस्तान में भी ये गैर कानूनी है और अमेरिका में जहां की ये कंपनी है वहां भी ये गैर कानूनी। हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। आपके सवाल बहुत हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछें और उसके बाद जो आप पूछना चाहें आपका स्वागत है। क्या होना चाहिए आपकी इस सरकार के चलते, मेरे हिसाब से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो होगा नहीं, लेकिन हाँ हम संघर्ष करेंगे इनकी, इन पर दबाव डालने के लिए कि आप जांच तो बैठाइए, कुछ तो करिए। अब आप देखिए परमवीर सिंह, मुंबई का पुलिस कमिश्नर, आज पढ़ते हैं कि रशिया भाग गए, कभी हुआ है ऐसा? 56 इंच की सरकार की नाक के नीचे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, परमवीर सिंह, नाम गिनते चले जाओगे भाग गए? तो ऐसी सरकार से आप उम्मीद क्या कर सकते हो? अब उम्मीद तो गुजरात की जनता से है हम सबको। सर दो सवाल है मेरे। एक तो ड्रग्स में शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया है, देश में ये ड्रग्स का कारोबार जो बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या व्यू है? पिछले हफ्ते अमित भाई और मैंने अहमदाबाद में भी ये प्रेस वार्ता की। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 9 जून को 2021 को 25 टन ड्रग्स आए और पकड़े नहीं गए और देश भर में फैल गए। ये दोहरी मार होती है, हमारे नौजवान पीढ़ी को तबाह करने के लिए ये ड्रग्स भेजे जाते हैं हमारे पड़ोसी देशों द्वारा। ये कंधार के ही रास्ते से आए थे, पाकिस्तान का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। और दूसरी मार क्या होती है, वो ड्रग्स बेचकर जो पैसा अर्जित किया जाता है वो आतंकी गतिविधियों में हमारे ही देश के खिलाफ उपयोग होता है उस पैसे का। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स के तस्करों को ऐसा क्या लगाव है कि बार बार ड्रग्स इसी रास्ते से पूरे देश में फैल रहे हैं? आपने एक पकड़ लिया, वो भी कोई सुनियोजित तरीके से सब एजेंसीज ने मिलकर पकड़ा हो, ऐसा नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक का पद पिछले 18 महीने से खाली है, पूर्णकालिक महानिदेशक है ही नहीं। अगर सरकार गंभीर होती तो एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का तुरंत बना दिया होता, क्यों नहीं बनाया? ये सवाल आपको सरकार से पूछने होंगे। अब आप एनसीबी को खुदरा पॉलिटिक्स में उपयोग करोगे कि साहब फिल्म इंडस्ट्री में ये हो रहा है, पकड़िए जिसने गलत किया उसको पकड़िए, लेकिन जहां से ये खेप आई है उस पूरे प्रकरण की जांच क्यों नहीं हो रही है? दूसरा सवाल ये है सर, पंजाब में अभी उथल-पुथल सरकार में हुई है, बहुत आपके नए सीएम भी आए हैं, फिर किसी मंत्री ने भी रेजिग्नेशन दिया है, इसी कुछ भी रेजिग्नेशन दिया, तो आपका क्या व्यू है वहां? देखिए हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है निर्णय लेने की, सबसे बात करके, चर्चा करके, विचार विमर्श करके निर्णय लिए जाते हैं। कुछ लोगों को निर्णय पसंद आते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते, जैसा घर परिवार में होता है वो बात अपनी व्यक्त करने की उनको स्वतंत्रता है। यहाँ भी मैंने देखा था हमारे गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के आंसू हमने भी देखे थे। तो ये कह देना भारतीय जनता पार्टी जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं साहब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में इस तरह से राजनीतिक उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। तो भाई हम पूछते हैं उत्तराखंड क्या बॉर्डर स्टेट नहीं है? तीन तीन मुख्यमंत्री आप बदल देते हो क्या? गुजरात बॉर्डर स्टेट नहीं है? पूरा कैबिनेट बदल देते हो क्या? अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टेट नहीं था? तो जब आप करते हैं तो कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं है, जब हम करते हैं तो आप अजीब सी बातें करते हो। लेकिन बीजेपी में ऑब्जेक्शन किसने लिया? कोई स्टेटमेंट नहीं लिया। बीजेपी में अगर कोई विरोध करता है तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा सकता, हमारे यहां जा सकता है। क्यों आपको क्या आपत्ति है सिद्धू जी? हमारे सब अलग अलग तरह के नेता हैं, हर परिवार में भी सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। कोई ऊंची आवाज में बोलता है, कोई मीठी वाणी में बोलता है, कोई जल्दी नाराज हो जाता है, कोई बहुत धैर्य इनकी तरह बड़ा सब्र वाला होता है। तो अलग अलग तरह के लोगों को मिलकर ही एक संगठन बनता है। उसमें आप ये उम्मीद करो कि सब अमित भाई चावड़ा जैसे हों तो वो तो संभव नहीं है, या आप कहें कि सब
प्रशांत भाई जैसे हों वो भी संभव नहीं है। सबकी अलग अलग नेचर होती है और उन सबको साथ लेकर चलना होता है, यही राजनीति का सबसे बड़ी चुनौती जिसको मैं मानता हूँ। अच्छा पवन जी, जिस तरह से ये जो ड्रग्स केस में शाहरुख खान के शांति हुई, भीतर से एक विसल ब्लोअर एक्ट भी होता है, भीतर से अगर कोई कर्मचारी अधिकारी आरोप लगा रहा है कि ये पैसा लीगल फीस के नाम पे दिया गया, अमेजॉन कंपनी ने क्या किया, जब ये आरोप लगे तो उन्होंने एक वकील को तो छुट्टी पर भेज दिया और उन्होंने कहा हम भी आंतरिक जांच कर रहे हैं। तो जब तक इस बात की निष्पक्ष न्यायिक जांच हमारे देश में नहीं हो, तब तक वो नाम सबके सामने नहीं आएंगे कि किसने लिए। भीतर से आवाज उठी है, हमने और आपने तो, किसी पत्रकार ने तो नहीं बोला, किसी नेता ने भी नहीं बोला। अगर कंपनी के अंदर के अधिकारी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो उसकी जांच बनती है, क्योंकि उसका नतीजा आपके सामने है, जिस तरह से व्यवसाय बंद हो रहे हैं। और ये वही FDI इन रिटेल के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे, अभी अमित भाई मुझे बता रहे थे, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब किसी और जबान में बात करते थे, अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो FDI इन रिटेल ना केवल चल रहा है, जो कंपनी चला रही है वो आपके अपने सरकार में बैठे हुए ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को रिश्वत भी दे रही है और आप होने दे रहे हैं, आपकी नाक के नीचे ये कांड हो रहा है। अच्छा खेरा जी, जब भी ऐसे चुनाव आता है, कुछ भी होता है, तब ऐसे एक बड़ी रकम का एक शगुफा छोड़ दिया जाता है, फिर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, जैसे रफाल में होता है। रफाल में आपने बोला कि इतने करोड़ का घपला हुआ, लेकिन आप उसका कोई कानूनी आपने उस पर कुछ दावा वगैरह कुछ नहीं किया, तो इस पर आपका क्या? कानूनी कार्रवाई करने का काम उनका है जो ऊंचे पदों पर आज सरकार में बैठे हैं। रफाल की आपने बात की, फ्रांस की सरकार ने तो जांच बैठा दी, हिंदुस्तान जिसके यहां से पैसा गया, जिसका नुकसान हुआ, उस सरकार ने जांच नहीं बैठाई, जिसको पैसा मिला वो जांच बैठा रहा, फ्रांस को मिला ना रफाल में, और जिसका पैसा गया वो जांच नहीं बैठा रहा, ये अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाली बात। तो जिसको इसमें न्यायिक जांच बैठानी चाहिए, हमने क्या कहा था रफाल में कि JPC बैठाइए, JPC बैठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई ये सरकार। तो ये बात, ये सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा, लेकिन गलत आदमी से पूछा, उनसे पूछिए जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। अच्छा, जिस आपने अमेज़न के पूरा जो मुद्दा उठाया है कि लाच दी गई है भारत में किसी बड़े आदमी को, अमेरिका ने तो इस बाबत के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन भारत अभी तक शुरू नहीं कर पा रहा है, क्या कहेंगे इसमें, कौन कौन शामिल है, कांग्रेस को क्या? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह नहीं है कि बिना किसी सबूत के कोई नाम ले ले, इसीलिए हम चाहते हैं, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की हैसियत से हम ये मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, असली चेहरे बेनकाब हो। अमेरिका जांच बैठा सकता है, हिंदुस्तान नहीं बैठा सकता। 14 करोड़ रोजगार यहां गए, छोटे व्यापार यहां बंद हो रहे हैं, जांच अमेरिका में बैठ रही है। 14 करोड़ यह भी आंकड़ा बहुत जरूरी है, हमने पार्लियामेंट में भी यह सवाल रखा तो जवाब आया कि कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो NDA जिसकी ये सरकार है उसका फुल फॉर्म है नो डेटा अवेलेबल, उनको आंकड़े ही नहीं होते, कितने किसान मरे बोले नो डेटा अवेलेबल, कितने बेरोजगार हुए नो डेटा अवेलेबल, कोविड में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे नो डेटा अवेलेबल। तो अब आज के बाद NDA का आप यह अर्थ समझ लीजिएगा। देखिए, हमारे तो गैर सरकारी आंकड़े होंगे, आप भी भरोसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मुझे मालूम है आप करेंगे, लेकिन आप जैसे कई लोग हैं नहीं करेंगे। तो आंकड़ों का काम सरकार को ईमानदारी से सामने रखने चाहिए। आज कोविड की ही बात ले, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, आप रैंडम सर्वे करके पूछ लीजिए किस किस ने अपने परिवार या अपने मित्र को गंवाया है, आपको जवाब मिल जाएगा, आंकड़ा यही मिल जाएगा, लेकिन सरकार आपको आंकड़ा नहीं देगी। आज न्याय यात्रा हमारे अमित भाई चावड़ा और पूरी कांग्रेस कर रही है गुजरात, पूछिए इनसे कितना हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, कितने लोग गए, कितने लोगों ने अपने लोगों को गंवा दिया। पवन जी, करप्शन की बात चल रही है तो पनामा पेपर के बाद पैंडोरा पेपर, और उसमें बहुत जो कांग्रेस मानती है उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जब तक जांच नहीं होती इस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। पिछले 20 मिनट में लखीमपुर खीरी पे कोई सवाल नहीं आ रहा, शाहरुख खान पे सारे सवाल आ रहे हैं। कारण
किसानों की समस्या, खेडूत की समस्या, आज ये लोग भी धरना कर रहे हैं हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी 4 बजे बरोड़ा, ये बहुत गंभीर है कि एक इतने बड़े तबके को हिंदुस्तान के 60% हिंदुस्तान किसानी पर निर्भर करता है, 10 महीने से वो किसान हर तरह का मौसम उसकी मार झेलते हुए बैठे हों, उनका चरित्र हनन किया जा रहा हो, उनको देश विरोधी कहा जा रहा हो, उनको खालिस्तानी कहा जा रहा हो, और अब उनको बैठने का भी अधिकार नहीं है, उन पर एक SUV से उनको रौंद के मार दिया जा रहा हो, तो मुझे लगता है इस देश के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि एक ऐसी सरकार बैठी है जो संवाद में विश्वास नहीं रखती, जो विवाद पैदा करती है। सर, ये विवाद कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग ही बोल रहा है, उसका कब और कैसा पॉलिसी? मैं बैठा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि मेरी अध्यक्ष पूर्णकालिक है या नहीं है, मेरी तो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, मेरे काम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए G23 यहाँ तो एक चैनल भी मैंने देखा था, G24, बात G23 की नहीं है, बात है कि सबको बोलने का हक है, बोलें। मैं कांग्रेस पार्टी को पिछले 25-30 साल से देख रहा हूँ, एक लक्ष्मण रेखा हर परिवार और हर पार्टी में होती है, मेरे घर में कोई विवाद हो तो मैं पड़ोसी की छत पर जाकर खड़े होकर चिल्लाने लगूं, ये अच्छी बात नहीं होती। मैं अपने ही घर में ये बात रखना चाहता हूं तो रख सकता हूं, मुझे भी कई बार आपत्ति होती है कुछ निर्णयों से, मैं भी चिट्ठी लिख देता हूं अपने नेताओं को या अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लेता हूं, और तो ये बड़े बड़े लोग हैं G23 वाले, इनको कौन रोकता है, जिस दिन चाहेंगे मिल सकते हैं हमारे बड़े नेताओं से, मिलें और बात करें। सर, फिर जिस दिन फिर ऐसा बोलने के बाद जब जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर पर जब प्रदर्शन किया, उस दिन क्या दूसरे? अच्छा सवाल है आपका, नहीं सुनिए तो सर, दूसरी मॉर्निंग में फिर वो गए थे मॉर्निंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे गए थे, पूछो उनसे, आज भी गए होंगे, तभी तो इतने फिट हैं सिब्बल साहब हमारे। देखिए गुस्सा जायज है हमारे वर्कर्स का, हम लोग पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, कोई सड़कों पर कर रहा है, कोई स्टूडियोज में कर रहा है, अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया पे संघर्ष कर रहा है, तो जो संघर्ष कर रहा होता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको बुरा लगता है जब उसके नेता इस तरह से सार्वजनिक रूप से विवाद पैदा करते हैं। बेरोजगारी के बाद की भ्रष्टाचार के बाद तो कांग्रेस जनता को ये विश्वास क्यों नहीं दिला सकती, कहां पे फेल गई आपने? भ्रष्टाचार के बाद की, बेरोजगारी के बाद की, तो जनता को ये क्यों गले नहीं उतार सकती? देखिए जनता को बिल्कुल समझ में आ रहा है, फेलियर नहीं है, विपक्ष किसके माध्यम से बोलता है, विपक्ष की आवाज कौन जनता तक पहुंचाता है? आप लोग, आप लोगों पे हमारी एक निर्भरता है, और हमेशा विपक्ष में कोई भी हो, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होगी, वो भी आप ही पर निर्भर करेगी। कम से कम गुजरात का मीडिया मुझे बड़ा पसंद इसलिए है कि आप हमारी बात को मुखर तरीके से रखते हो, हमें आप ब्लॉक नहीं कर देते हो जैसे राष्ट्रीय मीडिया कई बार कर देता है, तो हमारी आवाज आप है। अगर आप कहेंगे हम फेल हुए तो हम दोनों फेल हुए। नहीं, आपको जो जमीन पे आंदोलन करना चाहिए वो न्याय यात्रा, मैं आपको बता रहा हूं कर रहे हैं, आज 4 बजे खेडूत का ये कहना बड़ा, आप सुबह 3:30 बजे मुझे बताइए कल या आज सुबह 3:30 बजे विपक्ष का कौन सा नेता लखीमपुर खीरी के बॉर्डर पे खड़ा था, मुझे आप नाम बताइए, प्रियंका गांधी, फिर कहते हो कांग्रेस कहां है, कांग्रेस कहां नहीं है, मैं चाहता हूं ये पूछना कि मीडिया कहां है। तो माफ करना दोस्त, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, फिर गलत आदमी से पूछ लिया, आपस में पूछिए कि हमारी बात बाहर तक क्यों नहीं जा पाती, हमारी बात पहुंचाने वाले आप लोग, सर्वे सर्वा अगर लोकतंत्र में विपक्ष के लिए कोई है तो वो मीडिया है। तो 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे